हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और वेलकम है आपका मेरे चैनल आकाशवाणी में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे चैनल पे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि सीनियर हमारी किस्मत काम नहीं कर रही है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं फिर भी हमारी किस्मत नहीं काम कर रही है, हमारे पार्टनर जो आ रहे हैं वो रिजेक्शन जा रही है, कोई भी पार्टनर डन नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, टीम नहीं बूम कर रही है, तो हमारी किस्मत का दोष है। या फिर एक सीनियर का मेरे चैनल पर कमेंट आया था कि सीनियर इन्विटेशन करने का मन नहीं करता, जब इतनी प्रॉब्लम्स आती है तो इन्विटेशन करने का भी मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। तो आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बात करूँगा कि जिस टाइम पर मेरे को लॉस हो रहे थे, मेरे को सारी सिचुएशन में मैं फेस कर रहा था, तो मैंने क्या चीज़ें करी जिसकी वजह से मतलब मेरे को इन चीज़ों पे बेनिफिट मिला। देखो, सबसे पहले चीज़ होती है कमियां, ठीक है? हमें अपने अंदर कमियां देखनी होती है कि कमियां क्या है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। पर अगर आपके अंदर कोई भी कमी नहीं, क्योंकि लक का भी रोल हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा है, किस्मत का भी रोल जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? अब किस्मत को कैसे ठीक कर सकता है कोई, ठीक है ना, कि किस्मत को कैसे कोई ठीक कर सकता है, वो अपने हाथ में तो है नहीं। तो लक का रोल बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ लाइफ के अंदर लक का रोल भी है। तो मेरे साथ भी सिचुएशन हुई है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं अपनी लाइफ को लेकर के चलूँ, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? जिस टाइम पर मैं चैलेंजर था उस टाइम पर मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम चलती थी, काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था बट मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो देखो, आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, अगर ये चीज़ आप लोगों ने करी है तो आपको भी इस चीज़ का रिजल्ट मिला होगा, ठीक है? अब एक टाइम क्या था कि एक टाइम पे मैं एक डॉगी थी हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं उसको बिस्किट्स खिलाता था डेली उसको, मतलब कि हुआ क्या, एक दिन मैंने उसको देखा, उसने बच्चे दे, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो मैं वहाँ पे चाय पी रहा था बैठ के। तो हुआ क्या, वो डॉगी मेरे पास आई और मेरे को देख के, बस एक होता है ना नीडी तरीके से, वो मेरे को देखने लगी कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा नीडी है। तो मैंने उसको बिस्कुट ले करके 5 रुपये का मैं उसको खिला दिया। उसके बाद क्या, मैं वहाँ पे जब भी चाय पीता तो वो देखती थी मेरे पास तो आ जाती थी। तो इस तरीके से मैं डेली वो चीज़ करता रहता था कंटिन्यूसली, मन में मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं थी कि हाँ मैं किसी रीज़न के लिए चीज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता था उसको खिलाना। अगर वो मेरे को देख लेती थी वो मेरे को तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक मैं उसको बिस्कुट नहीं डालता था, ठीक है? तो ऐसा चलता रहा 15 दिन 20 दिन चलता रहा, और 15-20 दिन के बाद में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है? मतलब उन चीज़ों का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मेरे साथ में क्रिएट हो गया, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, और शायद आप भी इस बात से अग्री करेंगे, कि शायद मैं जो उसकी हेल्प कर रहा था, बेजुबान जानवर को मैं खिला रहा था जिसको ज़रूरत थी, शायद उस वजह से मेरी किस्मत है जो वो चेंज हुई, ठीक है ना, कि जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में हो रहा था, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये चीज़ बताऊँगा कि किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है, बट आपसे जितना हो सके, आप जितना कर सकते हैं, जितना आपके पास है, मैं नहीं कहता कि लाखों रुपए की संपत्ति आप किसी को दान कर दीजिए या फिर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कर दीजिए, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। जो चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी हेल्प, एक छोटी सी हेल्प 1 रुपए की भी हेल्प हो सकती है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर आपके आसपास में, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ प्रैक्टिकली करके देखना, आपका अगर किस्मत का रोल है, अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तब तो उसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, अपनी कमियों को ढूंढें। अगर आप गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स नहीं हैं, आप पार्टनर बुला रहे हैं, आपके एफर्ट्स नहीं, आप फुल उसके ऊपर चीज़ दे रहे हैं बट किस्मत की वजह से चीज़ हो रही है, तो आपको जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ ज़रूर करना। आपके आसपास में कोई भी जानवर हो, ठीक है, कोई भी नीडी हो, कुत्ता ही नहीं, कोई भी जानवर हो सकता है, वो डॉगी हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है, गाय हो सकती है, किसी भी जानवर की, क्योंकि ये बेजुबान जानवर होते हैं, ये अपने मुंह से नहीं बोल पाते कि इनको क्या चीज़ चाहिए। इंसान जो होता है अगर वो लाचार है वो मुंह से बोल के मांग लेता है, बट जो जानवर होते हैं मेरे अकॉर्डिंग वो बेजुबान होते हैं। तो शायद अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं, ठीक है, कोई भी आपके सोसाइटी में कुत्ता है या बिल्ली है, कोई भी आप उसको अगर खिला देते हैं 5 रुपये का बिस्किट या कुछ भी, अगर आप उनको करते हैं इस तरीके से, तो शायद आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, ठीक है? और इस चीज़ को आप करके देखना प्रैक्टिकली, अगर आपने ये चीज़ कर ली 8 से 10 दिन 15 दिन अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही थी उन चीज़ों का सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा। मेरे साथ प्रैक्टिकली, और एक बार नहीं मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ये एक बार नहीं मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब भी मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट मेरे को मिला। तो आपकी भी अगर किस्मत का दोष, आपकी लाइफ में किस्मत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो किस्मत को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करिए, ठीक है, जानवरों की हेल्प करिए, जो लोग नीडेड हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है, लोग भटक रहे हैं, ठीक है, और जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, लोग नहीं खिलाते हैं, तो उनकी हेल्प करिए, उनको खिलाइए। 5 रुपये 10 रुपये के बिस्कुट खिलाने से आपकी जेब खाली नहीं होती, आप गरीब नहीं होते हैं, बट किसी भूखे के पेट में वो चीज़ जाएगी तो वो शायद ऊपर वाला देखेगा और आपकी किस्मत को पलटेगा, ठीक है? तो आप ये चीज़ करिए, 7 दिन 10 दिन 15 दिन करिए, ठीक है? या फिर आपने अगर ये चीज़ पहले कभी करी और आपको रिजल्ट मिला, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रहा हूँ और बहुत बार मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो वही चीज़ें मैंने आपके साथ भी शेयर करी। आपको पता है मैं सारी अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जो चीज़ होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर किस्मत की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ करेंगे तो किस्मत की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ करके देखिए, और करने के बाद में अगर आपको रिजल्ट मिले, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करना है कि हाँ आपको इस चीज़ ने हेल्प करी, ठीक है?
तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ये चीज़ पहले करी है या आप ये चीज़ करने वाले हैं या फिर आपको इस चीज़ ने रिजल्ट दिया, ठीक है। किसी भी की हेल्प बुरी चीज़ नहीं है, हेल्प करिए आपकी किस्मत ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है। बड़ी हेल्प नहीं कर सकते तो छोटी छोटी हेल्प से शुरुआत करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।